आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे इस परिवार के मुखिया, हमारे इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ संजीव सर को। आपकी तालियों की आवाज गूंजती रहनी चाहिए एवरीवन। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार इंडिया। बैठ जाओ। सभी को नमस्कार, और जितने भी लोग अपने अपने वेन्यू में आज SLPS महोत्सव बना रहे हैं उनको भी नमन, हाथ जोड़कर नमस्कार आप सबको और उन सबको जो हमें लाइव देख रहे हैं, और नमन उन माता पिता को जिसकी आप औलाद हैं, क्योंकि आपने अपना जीवन एक सच्चे मिशन में लगाया है। तो सबसे पहले मैं आप सबको और हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख लोग हैं, 12 लाख नहीं है मैडम, 2 लाख और हैं, 40 लाख पीपल्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा किया, उन 14 लाख लोगों को के साथ साथ 135 करोड़ लोगों को भी आज SLPS के जन्मदिन की, SLPS के 7वें साल की, 7वें महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अब मैंने 135 करोड़ इसलिए बोला कि आने वाले समय में सबको इधर ही आना है। बहुत कैसा महसूस हो रहा है आज? अच्छा लग रहा है कि 7 नंबर है ही ऐसा, लक्की 7, गाड़ी का नंबर जेम्स बॉन्ड का नंबर 7, लक्की नंबर 7, बीवी भी ठीक ठाक 7 फेरे में मिलती है,
सात जन्म साथ साथ, जिसने सात समुंदर पार कर लिए, बोला पूरी दुनिया देख ली, सात अजूबे, तो ये सात नंबर अपने आप में संपन्नता की निशानी है। ये सात नंबर बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इसलिए ये सात साल में मेरा कोई क्रेडिट नहीं जाता। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, एसलिपियस फाइटर्स के ऊपर है भोले बाबा का हाथ, एसलिपियस फाइटर्स के ऊपर है भोले बाबा का हाथ, लाखों लोगों की दुआएं और आशीर्वाद है हमारे साथ, इसलिए आज हम मना रहे हैं एसलिपियस महोत्सव, सात साल सात साथ। ये सात साल बहुत समर्पण के थे, बहुत सुहाने थे, बहुत शिद्दत के थे, सपनों से भरे थे। ये सात साल हम सब ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया, और आज पूरा हिंदुस्तान हमें देख रहा है। कुछ लोग हमें चाहते हैं वो भी देख रहे हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं वो भी देख। अब देखना तो पड़ेगा, क्योंकि दिखा ही सात साल से हम रहे हैं। एसलिपियस वेलनेस 9 नवंबर 2014 को जब आई थी, उससे पहले मैंने भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को देखा था। दोस्तों, रियली मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छी जिंदगी इंसान को किसी काम में नहीं मिलती जो डायरेक्ट सेलिंग जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिलती है। जब मैं आर्मी में था, मैं बहुत 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 जज्बाती व्यक्ति था, बहुत जोशीला व्यक्ति था। वहां भी मुझमें एक भावना कूट कूट के भरी हुई थी कि मैं जब भी जहां भी रहता था नंबर वन पे रहता था, पीछे तो मैं कभी चलता ही नहीं था। कश्मीर के अंदर एक वो होता है राष्ट्रीय राइफल्स, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई, तो पहला शिकार मैंने मेरे हाथ से किया था, एक बात। और वहां पर क्या होता है कि जब उग्रवादी अंदर होता है तो सिविलियन को अंदर पकड़ के डालते हैं पहले, और फौजी बाद में घुसता है कि गोली लगे तो सिविलियन को लगे। ये संजीव कुमार ने कभी, मैंने कहा ये कश्मीरी है पर हिंदुस्तानी है, इसकी छाती आगे नहीं होगी। मेरे ऑफिसर से लड़ाई होगी थी कि भाई साहब, अगर मैं मर गया तो गवर्नमेंट पैसे मुझे देगी, सिविलियन को नहीं देगी। तो मैंने उस दिन भी उन कश्मीरी, आज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा था, आज भी आप जाओगे मेरा नाम लोगे तो सम्मान से देखेंगे, मैं कभी सिविलियन को लेकर अंदर नहीं घुसा। मैंने कहा छाती अपनी होगी, तू अब पीछे बैठ। तो ये भावना मेरे अंदर पहले से ही है कि मैं इस धरती पर आया हूं तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं समाज के लिए, जो समाज हमें प्यार करे, जो समाज मुझे चाहे, और मैं दुनिया में रहूं ना रहूं पर समाज की यादों में मैं रहूं। और वो क्या काम हो सकता था? वो काम ऐसे ही हो सकता है कुछ ना कुछ जो समाज का दुख और दर्द दूर करो। आज दुनिया में बहुत दर्द है, लोगों के बहुत तकलीफें हैं, लोगों के घरों में तकलीफें हैं, लोगों की जिंदगियों में तकलीफें हैं। आज आप देखो भारत के अंदर, मैं उड़ीसा जाता हूं, देखता हूं कितने कितने गरीब घर में देखता हूं, आपको क्या बताऊं, खप्पर पड़े होते हैं खप्पर, ऐसी जिंदगी भी आज हमारे देश के लोग जी रहे हैं। लेकिन समाज के लिए आदमी क्या काम करे जो समाज उसकी इज्जत करे, सम्मान करे, कोई उसका दुख दूर करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके गांव में सड़क नहीं है, अगर किसी ने सड़क बनवा दी तो वो आपके लिए सम्मान्य हो जाता है, है ना? अरे यस और नो। आपके गांव में बिजली नहीं है, किसी ने बिजली लाके दे दी तो वो व्यक्ति आपके लिए सम्मान्य हो जाता है कि यार इसने हमारे गांव में बिजली लाके दी है। तो मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी एक कंपनी में, तो मैंने इसका नेचर देखा, इस बिजनेस का नेचर देखा मैंने डायरेक्ट सेलिंग का, कि यार ये तो बड़ा खूबसूरत काम है, ये तो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा चेंज लोगों की जिंदगियों में ला सकता है। लेकिन जहां मैं काम करता था, जिस कंपनी में मैं था, वहां पर बहुत कचरा पट्टी सिस्टम था। वहां रियली इस खूबसूरत बिजनेस की आड़ में लोगों को
मूर्ख बनाया जाता था। इस बिजनेस का जो मॉडल है वो इतना खूबसूरत है, इतना मतलब यूनिक है, इतना एक्सीलेंट है कि दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं बना जितना इस बिजनेस का खूबसूरत मॉडल है। लेकिन उस मॉडल की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। लेकिन मुझे इसकी तकलीफ होती थी, मुझे पता था संजीव कुमार दुनिया में इससे बेहतर कोई मॉडल नहीं है। अगर समाज में बदलाव होगा, अगर देश के लोगों का उत्थान होगा तो इसी मॉडल से होगा। लेकिन ये मॉडल अगर सही तरीके से सही स्वरूप में पेश किया जाए तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पैसे दिखाते थे, ये लोगों को लाओ, कुछ भी बिकवाते थे, कुछ भी कचरा, बिना यूज के प्रोडक्ट, बिना जरूरत के प्रोडक्ट, फालतू के प्रोडक्ट, झूठे प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट, कुछ भी, सिर्फ इस मॉडल की आड़ में, क्योंकि उन्हें पता था। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना सर, दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं दुनिया के 10-20 कंट्री में भी जाके आया हूं, मेरा दिल नहीं लगता किसी कंट्री में एक दिन भी, कि अगर वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, इसलिए भारत के लोग सबसे अच्छे हैं। तो ये भोले भाले लोग हैं, यह सांस्कृतिक लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, रिलेशन रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। तो वो जो मॉडल बना बना के जो डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया। एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मॉडल जो पूरी दुनिया बदल सकता है, भारत देश की गरीबी दूर कर सकता है, भारत देश के हर बेरोजगार को रोजगार दे सकता है, भारत देश के हर बीमार को सेहत दे सकता है, ये ऐसा मॉडल है। लेकिन नहीं, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए उल्टे सीधे तरीके से इस काम को किया जाता था। फिर मैंने बीड़ा उठाया कि मैं कोशिश करके देखता हूं क्या सच के साथ, ईमानदारी के साथ, क्या पता ये मॉडल मैं लोगों में इंट्रोड्यूस कर पाऊं, क्या पता लोग इस मॉडल को एक्सेप्ट करें, क्या पता लोगों की सोच बदल जाए इस मॉडल के प्रति, क्या पता लोग कहें कि यार वाकई में डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है अगर सही तरीके से किया जाए तो लोग सराहना करें हमारी। मैंने कोशिश करके देखी, मैंने उस कंपनी को क्यूट किया, 2 साल मैंने रिसर्च करी डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल की, इस बिजनेस के नेचर की, कि ये बिजनेस कैसा बिजनेस है, इस बिजनेस को करके कैसे आम आदमी कामयाब हो सकता है और अच्छी चीजें लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सकती हैं। मैंने रिसर्च में पाया कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है। दोस्तों मैं आज आपसे पूछता हूं, हम सब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई ना कोई काम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, यस और नो, कोई ना कोई काम करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई पढ़ाई है जहां फीस ना ली जाती हो, ऐसा कोई काम है जहां डिग्री ना देखी जाती हो, ऐसा कोई काम है जहां एक्सपीरियंस ना देखा जाता हो, ऐसा कोई काम है आपका बैकग्राउंड ना देखा जाता हो। काम देने से पहले इंसान आपकी जात पात धर्म एक्सपीरियंस पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब लगाता है। मैंने इस बिजनेस का नेचर देखा और इस बिजनेस की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है, सबसे ज्यादा इस बिजनेस की जरूरत है अपर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, हाईफाई लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसका नेचर देखा, यार इसमें होता क्या है ये तो समझो। मैंने देखा एक आदमी किसी कंपनी से जुड़ता है, उसके अच्छे से प्रोडक्ट लेके किसी को देता है, प्रोडक्ट देने के बाद वो बंदे को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वो कहता है सर मुझे भी काम करना है। नेचर ऑफ दिस बिजनेस, किसी को 10-15 हजार के प्रोडक्ट दिए सेहत मनाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए, फिर उसके घर पे गया और उससे कहा काम करना चाहता है, बोला यस करना चाहता हूं। एक अमीर आदमी, एक करोड़पति आदमी, गाड़ी बंगले वाला आदमी, मैंने मेरी जिंदगी में दूसरे किसी के मॉडल में किसी के घर पे जाते हुए नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। भाई आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। अमीर लोग गरीबों से दूर हटते हैं, उन्हें बदबू आती है, हाँ या ना। और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री ऐसी है कि एक अपलाइन, एक सक्सेस नेटवर्कर जिसके पास मर्जी जगुआर जैसी गाड़ी है, वो साइकिल वाले के घर में चला जाता है, साइकिल वाले घर में जाके चाय पी लेता है, उसके यहां का पानी पी लेता है और उसको बोलता है कि चल पकड़ मेरा हाथ, तुझे सफल करूंगा। लेता क्या है सर 10,000 प्रोडक्ट देता है उसके,
15,000 प्रोडक्ट देता है उसके, कुछ नहीं लेता। आज मुझे आप बताओ, दुनिया का कोई ऐसा मॉडल बताओ, दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहां ये गरीब और अमीर की खाई खत्म होती हो। एक इंडस्ट्री बताओ मुझे, एक इंडस्ट्री, किस अमीर को किस गरीब की पड़ी है, एक इंडस्ट्री बताओ। कहां अमीर लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं, एक इंडस्ट्री आप मुझे बताओ। अगर इस दुनिया में है तो आप मुझे बताओ कि सर फलानी इंडस्ट्री है, नहीं होता। उसके बाद क्या करता है, नेक्स्ट देखो, वो बच्चा जिसके घर हम लोग जाते हैं, वो 10th हो सकता है, 12th हो सकता है, बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीटेक हो सकता है, एमटेक हो सकता है, एमबीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है, जिसके हम जाते हैं उसको हम कहते हैं चल तुझे सक्सेस करेंगे, उसके स्किल्स डेवलप करता है, उसकी सोच बढ़ाता है, उसको सपने दिखाता है, उसके सपने बढ़ाता है, उसके अंदर एक हिम्मत जगाता है, उसके अंदर एक सोया हुआ इंसान, कामयाब इंसान जो सो जाता है, जिसे कभी लगता नहीं तू कुछ कर सकता है, उसे वो जज्बा जगाता है कि तू भी कुछ कर सकता है। सर ये डायरेक्ट सेलर इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आज घर घर जाके इसने वो काम किया जो आपके टीचर नहीं कर पाए, आपके पिता नहीं कर पाए, आपकी माता नहीं कर पाई जिसने कोख से जन्म दिया, जो माता आपको एहसास नहीं दिला पाई कि बेटा तू कुछ कर सकता है, आपके पिताजी एहसास नहीं दिला पाए बेटा तू कुछ कर सकता है, आपका टीचर विश्वास नहीं दिला पाया बेटा तू कुछ कर सकता है। एक डायरेक्ट सेलर आया एसलीपीएस वेलनेस का और 1.5 घंटे में बता गया कि तू भी दुनिया जीत सकता है। ये मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। किसी इंसान की सोई हुई ताकत को जगाना मजाक नहीं है और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। फिर उसको साथ जाता है, गांव गांव जाता है, काम सिखाता है, अपना टैलेंट ट्रांसफर करता है, 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस, पूरा का पूरा उसे 4 दिन में दे देता है। आज आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो ना तो भी 1,000 रुपए की फीस देते हो, डॉक्टर आपको देख के दवाई देता है तो भी फीस लेता है। इस दुनिया में अगर सक्सेसफुल लोग अगर फ्री में किसी को कामयाब करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करते हैं, इस इंडस्ट्री में करते हैं। दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट दिस इंडस्ट्री सो मच, दैट इज व्हाई आई लव दिस इंडस्ट्री सो मच, क्योंकि इसका जो नेचर है ना वो बड़ा बड़ा ही खूबसूरत है। दोस्तों दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाएंगे, रहेगा कोई नहीं, किसने अच्छा किया है किसने बुरा किया है वही चीजें साथ जाएंगी। आज इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है अन्नदान, ठीक है धर्म है, अनाथ बच्चों को खाना खिलाना एक धर्म है, गरीब बच्चों की शादी कराना एक धर्म है, भूखों की भूख मिटाना एक धर्म है, मंदिर गुरुद्वारे में दान करना एक धर्म है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन कर रहा है मालूम है, जिस इंडस्ट्री के खिलाफ लोग आज से 7 साल पहले बात करते थे, जिस इंडस्ट्री को लोग नेगेटिव ट्रेंडिंग आउट से देखते थे, जिस इंडस्ट्री में लोग आना नहीं चाहते थे, आज से 7 साल पहले वो इंडस्ट्री सबसे बड़ा धर्म का काम करती है। एक ही इंडस्ट्री ऐसी है यहां पर हम लोग क्या काम करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है दुनिया की भीड़ से नाकामयाब लोगों को उठाओ और उन्हें कामयाबी तक पहुंचाओ, यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ये काम इस इंडस्ट्री में हो सकता था, 7 साल पहले ऐसा नहीं था, 7 साल पहले लोग नफरत करते थे इंडस्ट्री से, और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर देश की बेरोजगारी मिटानी है तो एक अच्छी कंपनी बनानी पड़ेगी, अच्छे मॉडल अच्छे प्रोडक्ट के साथ एक कंपनी बनानी पड़ेगी, एक ईमानदार एक सच्ची कंपनी बनानी पड़ेगी, एक नियत से नेक नियत से भरी कंपनी बनानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे पता था मोदी जी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, करोड़ों लोगों को रोजगार कोई नहीं दे सकता। और आज एसलीपीएस की बात करूं, 1 हफ्ते के 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं, 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं, 90,000 परिवार इस कंपनी से अपना घर चलाते हैं। कौन सी गवर्नमेंट देती, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट में सीमित संसाधन है असीमित संसाधन नहीं है, गवर्नमेंट भी हमारी है देश भी हमारा है, देश के हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा अपने अपने कॉन्सेप्ट लेके मॉडल लेके लोगों को रोजगार देने के लिए, उसमें से एक नागरिक हूं बस मैं और कुछ नहीं हूं। तब मैंने सोचा था ये विचार, 7 साल हो गए, पहली साल बोला था आपको मिलेगा एक वीडियो, हर एनिवर्सरी में बोला था,
और जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। ये एंकर कह रही थी संजीव चन्ने सोचा नहीं होगा, मैं सोच के बैठा हूँ पहले दिन से ही। मैं पहले दिन सोच लिया था कि दुनिया की नंबर वन कंपनी अगर कोई होगी डायरेक्ट सेलिंग में तो SLEPS वेलनेस होगी, पहले दिन होगी, याद रखना होगी। और जो कहा है वो किया है, पिछली एनिवर्सरी में बोला था प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़ेंगे, बढ़े या नहीं बढ़े, आवाज दो बढ़े या नहीं बढ़े, जो बोलता हूं वो करता हूं 100%। और मैं नहीं करता, ऊपर वाला करता है, मैं तो बोल के उसको बोल देता हूं कि अब तू देख तेरे को क्या करना है। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, समझना, आप दुकानदार पे भरोसा करोगे, अपने मामा चाचा भाई पे भरोसा करोगे, किस पे करोगे, अपनों पे करोगे या दुकानदारों पे करोगे? अगर इस इंडस्ट्री में अच्छा प्रोडक्ट किसी अपने के हाथ में दे दिया जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट, तो 100% वो अपने के घर पहुंचा देगा। हम टीवी एड पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अमिताभ बच्चन शाहरुख खान पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरी मम्मी आएगी, मेरी माँ आएगी, मेरी मामी आएगी, बुआ मामा आएंगे तो हम भरोसा करेंगे। इसका मतलब इस इंडस्ट्री को कैसे प्रोडक्ट चाहिए थे, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें इतनी क्वालिटी हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मालूम है कैसा होना चाहिए, उसकी टक्कर का प्रोडक्ट अगर बाजार में मिल जाए तो वो कंपनी नहीं है, वो बेवकूफ बनाने का एक ढोंग रच रही है। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि भारत से USA तक आदमी ढूंढ ले पर डेंटोडोक उसको ना मिले, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मुझे मेरे पड़ोसी को देना है जिसको मुझे रोज देखना है, मेरी माँ को देना है, चाचा को देना है, चाची को देना है, मामी को देना है, बुआ को देना है, और किसको दूंगा मैं? MBA मार्केटिंग तो नहीं कि बाजार में पकड़ पकड़ के लोगों को दे दूंगा। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि मैं जिसको दूं वो बोले मजा आ गया, एक और लेके आ। और वो भी वो प्रोडक्ट जो हमारी संस्कृति के हैं। आज देश देखो, मैं सर्वोपरि हमेशा देश को रखता हूं, इसके पीछे एक रीजन है, मैं बहुत समझदार आदमी हूं। मैंने अभी तालिबान का हाल देखा है, देश नहीं तो कोई कंपनी नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई स्टेट नहीं, देश नहीं तो हम नहीं। जिंदगी में कोई भी काम करो पर उसमें देश का हित जरूर ढूंढो कि इसमें देश का हित क्या है, कोई भी काम करो। ये हिंदुस्तान की गुलामी का कारण ही है कि यहां पर लोग सेल्फिश बहुत हैं। 10 अंग्रेज आके यहां पर राज करके चले गए, क्योंकि देशभक्ति किसी के अंदर नहीं है, पेट भक्ति सबसे ज्यादा है, हर आदमी सेल्फिश है। और इस सेल्फिशनेस को खत्म करना है, और ये मैंने एक बीड़ा उठाया है कि लोगों की इंसानियत जगाऊंगा, लोगों के अंदर मरे हुए इंसान को जगाऊंगा, लोगों में मानवता जगाऊंगा, और लोगों को बताऊंगा कि जीवन में जितना मजा इंसानियत में है दौलत में नहीं है। आई प्रोमिस माई सेल्फ, ये मैं करके रहूंगा। और वो कब हो सकता है? जब मुझे लोगों के बीच जाने का मौका मिले, लोगों से बात करने का मौका मिले, तभी तो कर सकता हूं, तभी तो कर सकता हूं। तो प्रोडक्ट, हम कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं भाई? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? हम अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपनी संस्कृति, वो संस्कृति जो धूमिल हो चुकी थी, जो खत्म हो चुकी थी। आज हर घर में कितनी दिक्कतें, मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है, मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है। आदमी का पैसा आता है आधा बीमारी में चला जाता है, और बीमारियां भी इस लेवल की है कि लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और जो बीमारी ठीक करने वाले लोग हैं उन्होंने आज ठीक करने की दुकान नहीं, नोट कमाने की दुकान खोल रखी है। अगर मैं झूठा हूं तो बताओ, किडनियां बेच देते हैं, इससे ज्यादा बुरा समय इस देश में लोग क्या देखेंगे? अपने लालच के लिए लोगों की किडनियां बेच देते हैं, जिसका कटना नहीं होता उसका पेट काट देते हैं, थोड़ा सा यहां पर दर्द हो जाए हॉस्पिटल चले जाना, गैस का दर्द होगा छाती फाड़ देंगे।
इतना नशा है लोगों को दौलत का, इतना पागलपन हो चुका है दौलत का। हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम अपनी संस्कृति, हमारी पुरातत्व संस्कृति, हमारी पावर, उसकी पहचान आयुर्वेदा। जब कोई एलोपैथी वेलोपैथी नहीं होती थी, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं होते थे, तब भी लोग जिंदे रहते थे और आयुर्वेदक बचाता था। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूँ, डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, पर उन हर आदमी के खिलाफ हूँ जो गलत तरीके से लोगों के साथ खेल रहा है। आयुर्वेदा वो पद्धति जहां चमत्कार होते हैं, वो काम हम कर रहे हैं। अंग्रेजी खाना छुड़वा के लोगों को देसी खाना खाना सिखा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो हमें छोड़ दो, हम कब कह रहे हैं हमारे साथ काम करो। मैं तो जिंदगी में नहीं कहा, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। अगर तो आपको लगता है ये काम गलत है कि लोगों को ठीक करना, लोगों को अच्छा सलाह देना, लोगों का लाइफ स्टाइल सुधारना, और उससे क्या हुआ मैं अभी दिखाऊंगा आपको। आज मैं दिखाऊंगा क्या क्या होता है यहां पर, छोटी सी झलक दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आती नहीं ये चीजें सामने। वो काम हम लोग कर रहे हैं। आज लोग